असलम दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में जो मसला लेके आए हैं, ये मसला है FMD, माउथ डिजीज इन्फेक्शन ये कहते हैं, और उसको आम जबान में, हमारी जबान में कहते हैं मुँह खोर। जो हो जाए तो उसका इलाज वैसे डॉक्टरी भी है, वैसे हम कोशिश हमने की है कि हम इसको देसी तरीके से सही कर सकें। उसका आपको पता कैसे चलेगा मुँह खोर हो गया है? सबसे पहले आपकी जो जानवर है वो खाना पीना सुस्त कर देगा, खाना पीना सुस्त करेगा। इसके अलावा वो दिखाया गया कि आपके बाल बकरियों के, जैसे बकरी है या जो बकरा है उसके बाल खड़े हो जाएंगे, मतलब जैसे कि सूजन, मुंह की तरफ सूजन भी आ जाएगी, जैसे ये जो जगह है इन जगहों की तरफ सूजन भी आ जाएगी, प्लस में बाल भी खड़े कर देगा। उसके अलावा अगर आपको पता चलेगा कि आँख की तरफ आप देख सकें, देख सकते हैं या आँख में हल्का आपको कचरा भी नज़र आ रहा होगा, अभी तो फिलहाल मैंने इसमें आँख वाली चीज़ें कुछ दवाइयाँ वो भी दिखाता हूँ आपको, वो भी किया है इलाज। इसके अलावा आप चेक करेंगे यूँ अंदर की तरफ, जैसे ये जगह है, अब इस तरफ देखेंगे, जब इस तरफ आप जब देखेंगे यहाँ की तरफ आपको ना छोटे छोटे, अंदर की तरफ जब उंगली डालेंगे आपको छोटे छोटे दाने नज़र आएंगे, और मुंह पका हुआ होता है, मुंह खोर इसलिए कहते हैं, मुंह का पका हुआ होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम देसी नुस्खा जो फर्स्ट एड कर सकते हैं कि हम एक लेंगे देसी अंडा, मैं लेके दिखा भी देता हूँ और ये करूँगा भी इंशाल्लाह। देखें ये देसी अंडा है, कोशिश करें अगर देसी मिल जाए तो वेल एंड गुड है, देसी का ज़्यादा असर होता है क्योंकि ये फीड वगैरह का नहीं होता, देसी ऑरिजिनल चीज़ ऑरिजिनल होती है। ये तोड़ के इसके मुंह में हम कोशिश करेंगे इसको खिलाने की, सही है? इसको आप हल्का सा तोड़ लें, ताकि जो इसका झाग है, झाग वगैरह सारा इसके अंदर चले जाए, ये सारा। देख लें इसने तकरीबन खा भी लिया, देखें जैसे ये एक किस्म का जेल बन गया, जेल। अब जेल के हिसाब से देख सकते हैं माशाल्लाह, चलिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इसने सारा ही अंडा इसको हमने खिला भी दिया है, और बाकी जो चीज़ें हैं फायदा इसको जेल की तरह यूज होंगी। इसमें खिलाने में जो एहतियात आपको उसको करनी है, से अलग लोगों की अलग अलग राय है, कोशिश करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा खुश्क लाए, खुश्क घास, खुश्क दाना, दाना भी हल्का दाना, ताकि इसको जो हज़म कराने में आसानी की तरह से हो सके। उसके अलावा जो आपने दवाइयाँ देनी है, फिलहाल जो दवाइयों में सबसे पहले ये दे सकते हैं, दिखाएं, ये मिनरल मिक्सचर है, ये ज़्यादातर आपकी बकरियों को गैस हो जाए या हज़म सही नहीं हो रहा हो तो उसके लिए देते हैं। मिनरल मिक्सचर है, ये 50 से 60 रुपए का आराम से वेटरनरी शॉप से मिल सकता है। अगर ये नहीं मिलता तो इंसानों की एक दवाई है कारमेंटन सिरप, सही है, वो भी ज़्यादा महंगी नहीं है, तकरीबन 30-35 रुपए की है, अगर अलग अलग इलाकों के हिसाब से या अलग कीमतों के हिसाब से वो 40 रुपए की ज़्यादा हो सकती है, 30 से 35 रुपए की वो मिल जाती है। मिनरल मिक्सचर भी कहते हैं इसको, और उसको अगर इंसानों वाला आपको चाहिए तो उसको कहते हैं कारमेंटन सिरप, सही है। उसमें हम ये पैनाडोल प्लस में ये डिस्प्रीन, आप देख सकते हैं ये डिस्प्रीन, एक वक्त में हम लोग उसको 3 खुराकें, मतलब जैसे 3 खुराकें इंसानों को दी जाती हैं घर में इलाज करने के लिए देसी तरीके से, एक डिस्प्रीन 2 पैनाडोल को छोटे बच्चे के हिसाब से देनी है, आप जैसे देख सकते हैं ये डिस्प्रीन ये, सही है। प्लस में आँखों में जो कचरा आ रहा है उसको, तो उसके लिए हम लोग आँखों वाला जो पॉलीफेक्स है, आँख पर हाथ पे हाथ वगैरह धो के सही तरह से आँखों में भी लगाएंगे, वो भी आपको इंशाल्लाह करके दिखाएंगे कि किस तरह लगाया। और उसको बनाने का तरीका, 2 डिस्प्रीन 1 डिस्प्रीन 2 पैनाडोल उसके अंदर डाल दें, थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर 2 सिरिंज तक डाल लें, 2 से 3 सिरिंज, और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो वो जब पिघल जाए तो उसके सिरिंज के जरिए, जैसे सिरिंज है 10 cc की तकरीबन, आप इसको 3 पिलाएँ, 3 पिला के भर के सही तरह घोल के उसको हल करके उसको पिला सकते हैं। और इसके अलावा अगर इससे भी हल नहीं होता और आपके पास फिलहाल डॉक्टर की सहूलत नहीं है, तो ये इंजेक्शन आप देख लें, ये इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़्यादातर नज़ला, ज़ुकाम, बुखार इसके लिए इस्तेमाल करें। अगर इससे भी आपका काम नहीं बनता तो आखिर में तो यही तरीका है कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। अगर पहले देखें एक आध दिन में सही हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो उसको आप इसमें दिखा सकते हैं कि आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, और कोशिश करें कि अगर वैक्सीन करा लें, हमने तो वैक्सीन कराई भी थी, मगर कभी कभार बगैर वैक्सीन के अलावा भी ये बीमारी आ जाती है। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही हो, सही है, तो आप दूसरों से दरख्वास्त है हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और इसके अलावा बताएं हमें किन टॉपिक में वीडियो बनानी चाहिए और हमारी गलतियों के बारे में बताएं, और इस तरह के और कौन से टॉपिक आपको चाहिए तो इंशाल्लाह हम वो वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू।